वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हुआ है 9:45 बजे का, और सुबह के 9:45 बजे का, और मैं बच्चों को स्कूल भेज के फिर से सो गई थी। यस, और अभी जस्ट सो के उठी हूँ 10-15 मिनट पहले, और नहा के आई हूँ एक बार नहा के यही पहन लिया और ढीला डाला, क्योंकि सारा काम करना है अब घर का। तो मेरी सुबह की एक बार की चाय हो गई है आंटी के साथ, क्योंकि आंटी काम करके जा चुके हैं, और विवेक अभी सोया है, उनको उठाऊंगी। और आज उनके लिए मैंने सरप्राइजिंगली नाश्ते मंगाए, उनको नहीं पता है वो सोए हुए हैं, उनको कुछ नाश्ते यहाँ के बहुत पसंद है, तो हमने बहुत दिनों से नहीं खाए हैं, तो मैंने आज जोमेटो पे ऑर्डर करके मंगवाए हैं। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर उनको उठाऊंगी, उनको सरप्राइज दूंगी। एक्चुअली ना, दूसरी बार सो जाओ तो टाइम बहुत सारा चला जाता है, बहुत लेट हो जाता है सब काम, इसलिए मैं कभी दोबारा सोती नहीं हूँ। लेकिन आज पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई। बहुत सारे दिन हो जाते हैं ना जब लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो फिर एक दिन ऐसा होता है कि बहुत तेज़ नींद आ जाती है। और अभी सब कुछ यहाँ पे फैला हुआ है, घर की कोई डस्टिंग वस्टिंग कुछ नहीं हुआ है, तो अब बस मैं अपना रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ, और दिखाती हूँ आपको मेरा पूरा एक दिन, आपके साथ शेयर करती हूँ जैसे हमेशा करती हूँ। तो चलो घर के काम शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। तो यहाँ सबसे पहले आई हूँ मैं डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि ये मेरा सुबह का पहला काम है। मेरे मॉर्निंग रूटीन वाले ब्लॉग्स में आप देख चुके होंगे, पहले भी कई बार मैंने शेयर किया है, लेकिन आप लोगों को मेरा मॉर्निंग रूटीन देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए रिपीटेडली मैं कई बार बना देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर व्लॉग्स मेरे शाम से ही आते हैं, मतलब दोपहर बाद से ज़्यादातर आते हैं, तो कभी कभी मैं मॉर्निंग व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। आप लोगों को पसंद है इसीलिए आपकी खुशी की खातिर करना पड़ता है यार। तो सबसे पहला काम होता है मेरा, मैं सोफे को मैनेज करती हूँ, और ये ना मैंने आपको दिखाया नहीं है, लेकिन इस पे दुनिया भर का सामान था, बहुत सारा सामान तो मैंने उठा के रखा है। रात को सोने से पहले लोग इतना सारा सामान फैला देते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, बच्चे लोग। और यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि जो मेरी शीतल आती है ना काम करने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए आती है, वो आती है 11:30-12 बजे, तो तब तक एक बार झाड़ू ना लगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक बार तो मैं लगा ही देती हूँ। और जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं कोई काम नहीं करती, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो काफ़ी मॉडर्न हो, आप तो काफ़ी, मतलब आपको देख के लगता नहीं, आपके फ़ोटोज़ देख के और आपको देख के कि आप काम वाम करते होंगे, तो ये वाला व्लॉग ऐसे लोग आँख खोल खोल के देख लो कि मैं बहुत काम करती हूँ मेरे घर में। जैसे एक कॉमन हाउस वाइफ, एक कॉमन वुमन जो घर में काम करती है, वो सारे काम करती हूँ मैं। तो यहाँ मैं मेरी डाइनिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ, इस पे भी बस ऐसा ही स्टफ़ वहाँ भी पड़ा हुआ था सोफे पे, यहाँ पे भी बच्चे दुनिया भर की चीज़ें फैला के जाते हैं। और ना जब मॉर्निंग में उनको स्कूल के लिए तैयार करो ना, उस टाइम पे घर बहुत फैल जाता है, शायद सभी औरतों की ये प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ, कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ, या फिर ऐसे ही हल्का सा वेट करके क्लॉथ, और उससे मैं साफ़ कर लेती हूँ। और दिन में 50 बार साफ़ होती है टेबल मेरी, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बोर नहीं करूँगी दोबारा बता के। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, विवेक उठ चुके हैं एक्चुअली, और उनको थोड़ा सा कमर में आजकल पेन रहता है, जैसे कि मैंने पहले भी शायद आपको बताया है। तो ये गर्म पानी का बॉटल ना मैंने मेरे सामने वाली आंटी हैं नेबर, उनके यहाँ से लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी प्रॉब्लम किसी को है नहीं, अभी अभी हुई है, तो उनसे मैंने मांगा था तो उन्होंने दिया था। और ये देखो मेरे हाथ पे गर्म पानी गिर गया, देखा आपने, और ये तेज़ गर्म पानी है, वो मेरे हाथ पे गिरा है, लेकिन चलता है फैमिली के लिए, औरतों का हाथ तो जलता ही रहता है किचन में, है ना। तो ये मैं विवेक को अब दे दूँगी ताकि वो सिकाई कर सकें थोड़ा सा, रोज़ सुबह शाम में दोनों टाइम उनको सिकाई करने के लिए देती हूँ, सो दैट उनको अच्छा लगे। और डॉक्टर ने भी बोला है, मतलब हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, तो उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि सिकाई वगैरह करवाओ, और उनको प्रोफेशनल डॉक्टर को भी मुझे दिखाना है। मैं विवेक को देके आई चेयर, और अब मैं चेयर इसलिए दी क्योंकि उस चेयर पे ही वो बैठते हैं, वो गर्म पानी का बॉटल लेके, और ये आंटी धो के ना इस तरह से प्लास्टिक की इसमें रख के जाते हैं, तो ये थोड़े बहुत बर्तन में लगा दूँगी, वो वाली टेबल ना आंटी पूरी भर के चली जाती हैं, वो सामने जो आपको टेबल दिख रही है ना उस पर सब लगा जाती हैं, कांच के बर्तन वगैरह, तो ये सब लगाऊँगी। ये वाली टेबल अभी गंदी रह गई है, इसको करूँगी। सुबह में इतने सारे काम हो जाते हैं ना करने के लिए कि ऑन एंड ऑफ, कभी ये कभी वो, कभी बीच बीच में मेरा अगर व्लॉग पब्लिश हो रहा होता है तो मुझे वो भी देखने के लिए जाना पड़ता है, और कभी कभी तो मेरी एडिटिंग अगर रात को नहीं हुई है ना तो मुझे मॉर्निंग में करनी पड़ती है, तो वो भी काम हो जाता है। और आज वॉशिंग मशीन का शायद मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर बहुत काम हो जाएगा, नहीं तो यार मैं 2-2 दिन छोड़ के वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, ऑल्टरनेटिव डे या फिर 2 दिन छोड़ के लगाती हूँ। ये टेबल थोड़ी सी ना मेरी रोज़ फैल जाती है, मतलब क्योंकि होता क्या है, मेरा जो प्लेटफॉर्म है ना उसके ऊपर कोई शेल्फ नहीं है, जो भी है वो ड्रॉर्स हैं बस, जो आप देख सकते हो, तो इसीलिए वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए थोड़ा सा सामान हो ही जाता है, वो हर किचन में हो जाता है। जैसे कि मैंने सब्जी बनाई, रोटियाँ बनाई, तो कई बार मैं वहाँ लगा देती हूँ। और
देखो अब मैं टेबल साफ़ कर रही हूँ और अभी ना रूम साफ़ करने बाकी हैं, जिसमें हम सोते हैं वो भी बाकी है, दूसरा वाला भी बाकी है, लेकिन पहले अब मैं चाय वगैरह कुछ करूँगी विवेक के लिए, उसके बाद ही मैं अब रूम वगैरह साफ़ करने के लिए जाऊँगी। और वो नाश्ता भी आ चुका है, ये मेरी मम्मी का फ़ोन आया हुआ था एक्चुअली, तो ये नाश्ता आ चुका है जो मैंने ऑर्डर किया था विवेक के लिए, आज बड़ी खुशी से मैंने मंगवाया है और उनको बिल्कुल भी नहीं पता है, अभी तक भी नहीं पता है। चुपचाप जाके मैं ले आई थी, जब वो जोमेटो वाला आया था ना, मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और चुपचाप जाके ले आई थी, उनको कुछ नहीं मालूम, वो आगे बैठ के अपने कमर की सिकाई कर रहे हैं गरम बॉटल से। ये चटनी वगैरह है और मैंने क्या क्या मंगाया ना वो भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ गुजरात के एकदम फेमस वाले नाश्ताज हैं ये सारे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है गुजरात में, जो लोग गुजरात में रहते होंगे उन्होंने देखा होगा। ये लोचा है, इसे लोचा बोलते हैं, वो वाला लोचा नहीं कहते ना, लोचा हो गया, वो लोचा नहीं, ये खाने वाला लोचा है। और यहाँ मैं रख रही हूँ चाय, वैसे वो नहा के चाय पीते हैं लेकिन अभी उनके कमर वगैरह में दर्द चल रहा है ना, तो आजकल वो सिकाई करते करते, मतलब ब्रश करके ही बैठते हैं सिकाई करने के लिए और फिर ऐसे ही चाय पी लेते हैं, बाद में नहा लेते हैं वो, क्योंकि उठते भी लेट है ना, काफ़ी लेट उठे हैं वो, तो फिर भूख भी लग जाती है और उनको दवाई वगैरह भी खानी होती है, इसलिए मैं फिर उनको पहले नाश्ता ही करवा देती हूँ। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है, चीनी डाल रही हूँ मैं, चीनी पत्ती और चाय का मसाला डाला है, और कभी कभी मैं शुगर वाली बना लेती हूँ, कभी कभी शुगर फ्री वाली। तो चलो नाश्ता खोल लेते हैं, आपको दिखाती हूँ। ये मैं खमन निकाल रही हूँ, इसे खमन कहते हैं, ये नायलॉन खमन नहीं है, वो जो पानी वाला खमन होता है वो नहीं है, ये गुजराती खमन है। और ये है सेव खमनी, खमन की जैसी ही आती है लेकिन थोड़ी ऐसे आती है, मतलब हलवे की फॉर्म में, और बहुत टेस्टी लगती है, इसके ऊपर बेसन के सेव डाल के खाए जाते हैं। और चटनी भी निकाल ली है मैंने, और अब मैं इसको ना एक कटोरी में निकाल दूंगी, मतलब कुछ भी बड़ी बोल लेके उसमें निकाल दूंगी। ये लोचा है, ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ ग्रीन चटनी आती है, पता नहीं वो लोग देना भूल गए क्या, आई डोंट नो। और बेसन के सेव भी नहीं दिए उन्होंने सेव खमनी के लिए, ऑनलाइन मंगाने में यही प्रॉब्लम है, मतलब कई बार ये लोग चीज़ें स्किप कर देते हैं। तो यहाँ देखो इस तरह से मैं इस टेबल को यूज़ करती हूँ, ऐसे साइड पे सामान लगा देती हूँ, और यहाँ मेरी चाय हिला रही हूँ मैं बीच बीच में, ताकि चाय का मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखो मेरी चाय बन के तैयार है, ये रखा नाश्ता यम्मी वाला। तो चलो इसको मैं प्लेस कर देती हूँ एक ट्रे में, ट्रे में एक्चुअली कप वगैरह रखे हैं तो मैंने थाली में रख दिया है, और विवेक को दे रही हूँ मैं अब सरप्राइज़। और यहाँ देख सकते हो कितना खुशी खुशी खा रहे हैं, मतलब वो चौंक गए सरप्राइज़ देख के। तो यहाँ बैठ के हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि बाकी का काम भी करना है, थोड़ी बहुत डस्टिंग भी बाकी रह गई है, बीच में नाश्ते के लिए रुक गई हूँ मैं एक्चुअली ना, जिस दिन दोबारा सो जाओ उस दिन यही गड़बड़ हो जाती है बस। मॉर्निंग, उठ गए सो के, बाल कैसे आज ऐसे हो रहे हैं माथे पे, कैसा लगा सेक करके, अच्छा लग रहा है, आज डॉक्टर को दिखा दें? या बेटा, हाँ आपकी फेवरेट नाश्ता थे, कैसा लगा सरप्राइज? थैंक यू। तुम सो रहे थे ना तभी ऑर्डर कर दिया था। चाय पियो, एकदम मसाले वाली कड़क चाय बनाई है तुम्हारे लिए। और थोड़ा सा बाहर खुला है लेकिन बहुत नहीं, और बहुत ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी बारिश है, और बारिश में यस, और बारिश में ऐसे नाश्ते खाने का बहुत मज़ा आता है। ये गुजरात के फेमस नाश्ताज हैं, खमन, ये क्या है सेव खमनी ना, और ये लोचा, इसमें चटनी कम दी है, देखो चटनी उतनी है, और सेव नहीं डाली इसने सेव खमनी में। और यहाँ पे आ गई मैं थोड़े से नाश्ते के बर्तन साफ़ करने, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं कर ही देती हूँ जनरली ना, थोड़े बहुत कर देती हूँ, क्योंकि आंटी ना 8:30 बजे आती हैं सुबह में, और उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट डे आती हैं, शाम को नहीं आती, दोपहर को नहीं आती, एक ही टाइम आती हैं 24 घंटे में। तो फिर अगर मैं अभी से इकट्ठे करूँ ना बहुत बर्तन हो जाते हैं, तो इसलिए नाश्ते वगैरह के थोड़े मैं धो दूँगी, ताकि शाम के लिए मेरा चाय का बर्तन भी अवेलेबल रहे और चमचियाँ वगैरह भी कम ना पड़े, और नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं यार, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे ज़्यादा बर्तन पड़े हुए। तो ऐसे थोड़े थोड़े मैं कर देती हूँ, लंच के भी थोड़े से कर देती हूँ। और यहाँ पे ना मैं दाल उबलने रख रही हूँ, कौन सी दाल उबलने रख रही हूँ, ब्लैक दाल, कौन सी वाली ब्लैक दाल, मसूर की साबुत दाल, और ये बहुत टेस्टी बनती है और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होती है, और मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है कि जिस दिन बनती है मैं ज़्यादा बनाती हूँ, तो मैंने पूरा पैकेट खाली कर दिया है। ये मैं रिलायंस से बाय करके लेके आती हूँ, वहाँ की दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया, वो आपने देख लिया, अब मैंने सिर में तेल डाला है क्योंकि मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे थे, और मैं तेल डाले बिना ना धोती नहीं हूँ सिर, तो मैंने, ओ माय गॉड, मेरे कपड़े में मेरा पाँव अटक गया। तो मैंने तेल डाला है, आज मैं शैम्पू करूँगी, और दोपहर बाद शैम्पू करूँगी, मतलब अभी नहीं, अभी तो बहुत सारा काम है, खाना बनाना है। ब्लैक दाल उबलने रखी है, ब्लैक दाल बना रही हूँ, और उसकी रेसिपी पहले की मेरी शूट की हुई रखी है एक बार की, इसलिए मैं अब नहीं शूट कर रही हूँ, या तो वो ऐड कर दूँगी, ऐसे करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शूट करके रखी हुई है, मैं पहले शूट कर चुकी हूँ ये रेसिपी, और बहुत बार पहले भी शायद किसी ब्लॉग में मैंने ऐड किया हुआ है। और अभी जा रही हूँ मैं राइस और रोटी बनाने, मेरी जो हाउस हेल्पर है झाड़ू पोछे वाली वो आनी बाकी है, अभी आंटी आके जा चुके हैं। वेल, अच्छा था नाश्ता, मज़ा आया खाने में, लेकिन एक चीज़ बहुत हिट हो गई दिल को,
बहुत दुख हुआ दिल को एक चीज़ का, मतलब इन्होंने खा तो लिया और खाने के बाद मुझे बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी ये मंगवाने की। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैंने सोचा कि इतने दिन बाद मंगवा रही हूँ, मतलब उनकी फेवरेट चीज़ें हैं और उनको सरप्राइज़ देती हूँ, मैंने इतने प्यार से मंगवाया और तब तो कुछ नहीं बोले, खा लिया और खाने के बाद मुझे बोले क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, क्यों बिना बात तुमने मंगवाया, कोई काम नहीं था मंगाने का। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगा यार मैं किसी को, मतलब सबको कितना भी खुश रखने की कोशिश करूं लेकिन मैं रख नहीं पा रही हूं शायद, क्योंकि एक मिनट, वो डोर बार बार बंद हो रहा था हवा से, क्योंकि कहने का मतलब है सोचो एक तो मतलब कि उनको अच्छा लगेगा, उनके लिए इतने दिन बाद मंगवा रही हूं, बहुत दिनों से उन्होंने वाले नाश्ते नहीं खाए और फिर कोई ऐसे कह दे ना इतने मन से मंगवा के कि क्या ज़रूरत थी, क्यों मंगवाया। तब तो कुछ नहीं बोले कैमरे पे, आपके सामने तो इतने प्यार से खा लिया, बाद में मुझे बोल रहे थे। और पता है क्या होता है, जिस तरह से मैं एक यूट्यूबर हूँ, साथ साथ संभाल रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, यूट्यूब का असर मैंने मेरे घर के कामों पे नहीं आने दिया है। मैं घर का काम भी सारा करती हूँ, मतलब जैसे कि आप देख भी होंगे व्लॉग में, साफ सफाई से लेके कुकिंग सब कुछ, कोई भी चीज़ के लिए हेल्पिंग हैंड नहीं है, सिर्फ बर्तन और झाड़ू पोछे वाले जो आते हैं वही आते हैं, बाकी भी बहुत काम हो जाते हैं ऊपर के भी, कपड़े फोल्ड करना, कपड़े धोना, घर की साफ़ सफाई, क्योंकि घर बहुत बड़ा है, मेंटेन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और साथ साथ यूट्यूब हैंडल करना, मतलब मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स अगर मुझे देख रहे होंगे सब समझ गए होंगे कि इट्स रियली टफ साथ साथ घर संभालना और एक यूट्यूबर होना और एक मॉम होना, इतने बड़े बच्चों का जिनकी पूरी जिम्मेदारी है, सुबह से लेके लंच बॉक्स से लेके सुबह 5:30 बजे उठना, रात को 12 बजे तक काम करना कॉन्स्टेंट, और जो टाइम मिले उसमें शूट करना, एडिटिंग करना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको खुश रख सकूँ, ये मेरी कोशिश होती है, मैं कोई काम नहीं छोड़ती, मैं सोचती हूँ मेरी फैमिली को कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज प्रिशा जो लंच बॉक्स में लेके जाने वाली थी वो मैंने रात ही तैयार करके रख दिया था, उसने बोला मुझे मुरमुरे सेव लेके जाना है, मैंने रात को ही तैयार करके रख दिया था, और सुबह में जो वो बोलती है वो मैं बना के देती हूँ, और विवेक जो बोलते हैं वो उनको बना के देती हूँ। कोशिश तो करती हूँ कि मेरी फैमिली को बहुत खुश रख सकूँ, और वो मुझे प्यार भी बहुत करते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत प्यार करते हैं, वो जानते हैं मैं बहुत हार्डवर्क करती हूँ इसीलिए सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करके भी किसी को खुश नहीं रख पा रही हूँ, इतनी कोशिशों के बाद भी कोई मुझसे खुश नहीं है, मतलब क्योंकि प्रिशा अक्सर मुझे बोला करती है मम्मी आप मेरे साथ नहीं बैठ रही हो, थोड़ी सी देरी बैठती हो, ज़्यादा देर नहीं बैठ रही आजकल, क्योंकि कई बार होता है, नो डाउट मैं उसके साथ बैठती हूँ, बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, वो आपने भी देखा होगा व्लॉग में, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है इस दुनिया में, हस्बैंड और बेटे से भी ज़्यादा। तो लेकिन होता क्या है कि भाई कभी अगर मैं एडिटिंग कर रही हूँ और वो आके मुझे बोले कि मम्मी मेरे साथ बैठो, तो उस वक्त मैं कई बार उसे मना कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा पूरा मेरे काम में होता है, भले बाद में बैठ जाऊँ लेकिन उस टाइम तो मना करना पड़ता है, तो कभी कभी वो उसकी शिकायत करती है, तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब मैं सुबह में उठती हूँ तो कई बार मेरा मन नहीं करता मशीन लगाने का, वॉशिंग मशीन में इतना थकान और नींद फील कर रही होती हूँ क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं सेक्रीफाइस करके लगाती हूँ वॉशिंग मशीन, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे बच्चों के कपड़े, मुझे यूनिफॉर्म वगैरह एकदम रेडी रखनी है, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो अपनी नींद का सेक्रीफाइस करके, अपने आराम का सेक्रीफाइस करके पूरा दिन नॉन स्टॉप काम करती हूँ मैं, कभी कुकिंग कर रही हूँ कुकिंग से फ्री हो रही हूँ तो, शूट कर रही हूँ शूट से फ्री हो रही हूँ तो, एडिटिंग कर रही हूँ, फैमिली को टाइम दे रही हूँ, ये वो बाहर के काम, लेकिन फिर भी जब शिकायत सुनने को मिलती है तो बड़ा दुख होता है। मतलब मैं ये बुराई नहीं कर रही हूँ मेरी फैमिली की, आई लव माय फैमिली लाइक एनीथिंग, इवन दे लव मी लाइक एनीथिंग, दे लव मी लाइक एनीथिंग, बट कुछ शिकायतें उन लोगों को मुझसे रह जाती हैं, तो मुझे कई बार बड़ा हर्ट हो जाता है, हर बार वो हर्ट नहीं होता लेकिन आज हर्ट हो गया, क्योंकि मैं सुबह से इतने प्यार से मैंने नाश्ता मंगवाया था, इतने खुशी से मंगवाया था कि जब वो उठेंगे तो उनको सरप्राइज दूंगी, लेकिन उस टाइम पे कैमरे पे तो वो कुछ नहीं बोले, खा लिया और बाद में इस तरह से बोल रहे थे कि क्या ज़रूरत थी, क्यों मंगवाया, कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, तो बड़ा दुख हुआ। फिर प्रिशा भी ऐसे ही करती है कभी कभी, और अभी भी कभी कभी तो ऐसे ही करता है, जबकि मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरे YouTube के साथ साथ मेरी फैमिली पे, और इनफैक्ट सच में मतलब मैंने कर दिखाया है कि मेरी फैमिली को मैं YouTube के साथ साथ अच्छी तरह से मैनेज कर रही हूँ। जहाँ तक आप लोग मुझे देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो शायद आपको भी आइडिया आ गया होगा, तो मुझे ना ऐसा लगने लगा है कि मैं पिस गई हूँ सबके बीच में, इतनी मेहनत करने के बाद भी इतनी कोशिश करती हूँ सबको खुश रखने की, लेकिन शायद मैं खुश नहीं रख पाती हूँ सबको, पिस गई हूँ मैं हर चीज़ के बीच में, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ, आई लव माई फैमिली एंड आई नो दे लव मी अलॉट, लेकिन ये दिल की बात शेयर करनी थी तो कर दी आपसे। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं मेरी दाल देखने के लिए, ये कुक हो चुकी है यानी कि बॉयल हो चुकी है,
और इसकी रेसिपी मैं पहले भी बहुत पुराने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक मिनी रेसिपी जिसे मिनी रेसिपी कहते हैं वो मैं शेयर कर दूँगी सो दैट आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे मेरी दाल बॉईल होके साइड पे मैंने रख दी और मैं प्याज छील रही हूँ। इसमें प्याज पड़ती है, लहसुन पड़ती है, टमाटर पड़ता है, हरी मिर्च पड़ती है, अदरक पड़ता है। किस तरह से पड़ता है वो भी मैं आगे आपको दिखा देती हूँ। और इतनी टेस्टी बनती है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ मैं टमाटर काट रही हूँ, आप आपके हिसाब से डाल सकते हो एक टमाटर, दो टमाटर। मैंने एक बड़ी बोल भर के दाल को उबाला है और इस दाल को भिगोते नहीं है, नहीं तो छिलका उतर जाता है। ऐसे ही डायरेक्टली धो के इसको बना लिया जाता है पानी डाल के, नमक हल्दी डाल के। और यहाँ मैंने टमाटर काट लिए, इसके ऊपर अब मैं काट रही हूँ हरी मिर्ची और फिर प्याज को भी काटना है मुझे। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, जिस दिन मेरे घर में ये बनती है रात को भी सब यही खाते हैं। ये देखिए थोड़े से टमाटर बाकी थे तो पूरे कर रही हूँ, और साथ में इसके ऊपर मैं हरी मिर्ची भी काट दूँगी। ये मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ अगर किसी ने देखा हो तो, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कुछ लोग नए कनेक्ट हुए हैं तो उनको नहीं पता चलेगा वो ब्लॉग, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। और ये मैं लहसुन छील रही हूँ। ये सारे कामों में ना बहुत टाइम जाता है यार, बहुत सारा टाइम जाता है, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत बिजी रहना पड़ता है। प्री कुकिंग भी कोई करके दे देना तो सबसे ज़्यादा टाइम प्री कुकिंग में ही लगता है। तो प्याज आज मेरे घर में ख़त्म हो गई है तो मैं एक ही डाल रही हूँ, आप चाहो तो ज़्यादा डाल सकते हो। वैसे ज़्यादा ही पड़ती है, 2 से 3 प्याज पड़ती है पतली पतली कटी हुई, इसीलिए मैंने चॉपर यूज़ नहीं किया आज, क्योंकि थोड़ी सी प्याज है फिर क्या करूं। और अब ये जो लहसुन छीली है मैंने, इसको टमाटर पे काट रही हूं। टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन साथ में काटती हूं मैं और प्याज अलग काटती हूं। तो इस तरह से मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, अब मैं तड़का लगाऊंगी। और विवेक पता नहीं क्या कर रहे हैं टेबल पे खड़े होके ना, यहाँ पे पता नहीं क्या दवाई खा रहे हैं क्या कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता। तो अब स्टार्ट करते हैं तड़का लगाना। दाल उबल चुकी है जैसे कि मैंने दिखाया। अब मैंने इसमें तेल डाला था कुकिंग ऑयल, और उसमें हींग और ज़ीरा डाला था, और डायरेक्टली प्याज डाल दी थी काटी हुई, ठीक है। अब जब ये पिंक हो जाएगी ना प्याज, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को, तब डाल देने हैं टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन जो एक साथ काटे थे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसलिए कि जिससे गल जाए, नमक डालने से ना गल जाता है जल्दी से टमाटर वगैरह, मसाला जल्दी से भुन जाता है। तो अब ये थोड़ा सा भुन चुका है, अब इसमें हम जो है दूसरे मसाले भी थोड़ी देर में ऐड करेंगे। साथ साथ मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे भी याद नहीं। हाँ, मैं चावल लेके आई हूँ, चावल भिगो दिए मैंने, राइस मतलब, क्योंकि ये राइस के साथ, रोटी के साथ, रोटले के साथ, ज्वार की रोटी के साथ बहुत बढ़िया लगता है। तो अब मेरा मसाला होने लगा है, इसमें हल्दी डालूंगी मैं, रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी, और यस इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर पड़ता है थोड़ा सा कलर के लिए, है ना, और धनिया पाउडर भी पड़ेगा। और इसमें एवरेस्ट का किचन किंग मसाला ज़रूर डालना। इस रेसिपी से ना ये वाली दाल ट्राई करना, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे ये वाला मसाला, लेकिन हार्ड लक बहुत कम बचा है, तो जितना बचा है मैंने उतना डाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें पड़ेगा। अब ये मसाला भुन चुका है और इसको अब मैं कुकर में डाल रही हूँ वापस, वही जो मेरी दाल उबली रखी है ना उसी के ऊपर डाल दिया है, और थोड़ा पानी डाल दूंगी। और अब इसमें ना एक सीटी लगा देनी है, इस रेसिपी से आप ट्राई करना, एक सीटी इसलिए लगानी है कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, महक एकदम अंदर अच्छे से हो जाए। आपको पता है मेरी फ्रेंड आई थी रूपल यहाँ पे मेरे घर पे, वो भी मेरे से सीख के गई है, उसे इतनी पसंद आई ये दाल, जो भी ये दाल खाता है ना मेरे हाथ की वो उंगलियाँ चाटता रह जाता है, और ये मैं कचरा फेंकने जा रही हूँ डस्टबिन में। तो ये दाल ज़रूर ट्राई करना, बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है। और इसमें पता है इसमें नेचुरल ग्लूटाथियोन होता है, मतलब आपकी स्किन को भी वाइट करता है थोड़ा सा, ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ पे मैं मेरा पिंक वाला रूम, जो कि मेरा यूट्यूब वाला रूम है, उसमें आ गई हूँ। कपड़े पड़े हुए थे, ये रूम साफ़ करने से बाकी रह गया, बाकी सारे रूम मैंने साफ़ कर दिए। तो अब मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह तह लगा रही हूँ, और ये मेरा छोटा सा ना वो है साड़ी का वो है कवर, और ये वो कपड़े हैं जो ड्रेस लिली से आए थे, इस पैकेट में आए थे, तो अब इनको भी मैं सॉर्ट आउट करती हूँ। और उस दिन जिस दिन मैंने शूट किया था ना, तो वो कपड़े ऐसे ही साइड पे ना तह बना के मैंने लगा दिए थे, तो आज मैं उनको उठा के रखती हूँ। ये देखो, ये वो ही कपड़े हैं जो आपने मेरा ड्रेस हॉल देखा ना, ड्रेस लिली ट्राई ऑन हॉल, ये सारे वही कपड़े हैं। तो इसमें उठा के रख दूँगी, मतलब अच्छी तरह से पैक करके फिर अलमीरा में डाल दूँगी, तो इनका जो तह वगैरह भी है वो भी अच्छा रहेगा, क्रश भी नहीं होंगे। ऐसे ही कर देती हूँ मैं, ऐसे कई सारे कवर्स लिए हुए हैं मैंने, जब कुछ समझ नहीं आया, अभी मेरे पास ना जगह नहीं मिल रही मुझे रखने की, टाइम भी मेरे पास नहीं है, तो इसमें ऐसे करके मैं रख दूँगी। और ये टी शर्ट वगैरह अलमीरा में डाल दूँगी, बेडशीट ठीक कर दूँगी, क्योंकि आज सुबह से जब मैं काम कर रही थी ना, मुझे इस रूम को ठीक करने का वक्त ही नहीं मिला। तो बस ऐसे ही होता है यार, एक यूट्यूबर की ज़िंदगी कुछ ऐसे ही होती है, कभी ये कभी वो, कभी ये देख लो कभी वो देख लो, दिन का एक सेकंड भी नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ मैं, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फाइनली मेरा बेड भी साफ़ हो गया है, यही रूम बाकी था, बाकी सब तो क्लीन हो चुका है घर पर मेरा पूरा। और दिखा देती हूँ आपको पूरा रूम साफ़ होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और ना मुझे ऐसी ही चादर पसंद है, ऐसे ही घर साफ़ रहता है ना तो ही मेरा मन खुश रहता है, इतनी ज़्यादा सनकी हूँ मैं। शोना से हाय टू एवरीवन। ऐसे नहीं करते बेटा, देख के करते हैं। हेलो रुच फैम। और तूने कॉन्गो भी नहीं बोला किसी को, हमारे 40,000 ऊपर हो गए सब्सक्राइबर, कितने हमारी फैमिली 40,000 अप पे, तो से कांग्रेचुलेशन।
आ रही हूँ मैं, एक मिनट आ रही हूँ, देखो बुलाते रहते हैं। आ गया ये स्कूल से, मेरा खाना भी बन गया है और पूरा भीग के आया था क्योंकि बारिश हो रही थी। इसको भी मैंने तेज़ गर्म पानी से नहलाया है, एकदम फ्रेश होके बैठा है मेरा बच्चा और कुछ पढ़ाई कर रहा है। ट्यूशन में जो भी करना है ना बेटा वो सब कंप्लीट करके जाना, नहीं तो मैम फिर से बुलाएगी, वो रात को फिर से बुलाती है, फिर पता है ना फिर तुम गुस्सा करोगे जाने में, है ना। पंखा चलाऊं? ओके ठीक है, सुना अच्छे से कर लेना सब। ओके रुच फैम, ये पर्दा खुला रहने दूं ना? ओके ठीक है। यार इतना काम करो फिर भी बाकी रह जाता है काम, ये कपड़े भी तय बनाने हैं अभी। ओके देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुन के आती हूँ। क्या कह रहे हो वो मैडम? गुड आफ्टरनून। सोना इतनी ठंड में तो वो भीग के आई है तो भी पंखा चला के बैठी है। हाँ जी बताओ क्या कह रहे हो? कहाँ कह लो? आज मैं आपसे कट्टी हूँ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। क्यों? आज तुमने दिल तोड़ा ना मेरा, इतनी अच्छी तरह नाश्ता मंगाया और फिर मुझे ताने भी मारे। हाँ क्यों ताने मारे? आज के बाद नहीं मंगाऊंगी आपके लिए नाश्ता, मैंने अच्छा सोच के मंगाया कि आपको अच्छा लगेगा। अब क्यों चुप हो गए? आप कोई जवाब नहीं है बोलने के लिए, है ना कट्टी? सॉरी बीबी जी। सॉरी बस कुछ भी करो और फिर सॉरी बोल दो, बस यही स्टाइल है मर्दों का, मर्दों को बस यही करना आता है। गलतियां करो, गलतियां करो और फिर सॉरी बोल दो, है ना। कितना अच्छा वर्ड जो है अंग्रेज छोड़ के गए हैं सॉरी वाला। वो ये क्या कर रहे हैं पता है गाइस? ये ना दिल्ली के लिए होटल सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी तक हमारा होटल मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये होटल सेलेक्ट कर रहे हैं जहां हम रुकने वाले हैं। एयर कंडीशन, हीटर, फ्री वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट, इन रूम, स्मोकिंग रूम, डेली हाउसकीपिंग, स्मोकिंग रूम, लॉन्ड्री सर्विस, मिनी फ्रिज, मतलब स्मोकिंग रूम मींस व्हाट? हैंगर, चेयर, कि तुम वहां जाके स्मोकिंग करोगे, इंटरकॉम, डाइनिंग एरिया, पकड़ डाला, बैकअप कर्टन, सोफा, पकड़ डाला। टेलीफोन, मुझे रूम नहीं पसंद आया। ये देखो ये देखो, सबसे पहले तुम्हारी बेटी को ही बहुत ये है नखरा, बेटी को जो पसंद आएगा वही करना है, है ना। तूने पास नहीं किया, मैंने भी पास नहीं किया, रिजेक्ट, रिजेक्टेड। रूम अच्छा है दीदी? नहीं बड़ा, आई डिडंट लाइक इट, आई डिडंट लाइक इट। और बाहर बारिश हो रही है खूब तेज वाली, खूब ठंडा वेदर हो रहा है। मुझे राइस रखने हैं अभी, तो आज लेट हो गई हूँ मैं लंच के लिए ना, और फिर रोटी भी बनानी बाकी है। चलो तो फिर मैं आपसे ना, आई डोंट नो इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी या बंद करूँगी, मतलब व्लॉग फिनिश करूँगी, काफ़ी लेट हो गया है, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया आई थिंक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हम लोग इन्जॉय करेंगे हमारा लंच, और इसमें सीटी इस तरह से लगा देनी है मसाला डाल के, और एक सीटी लगा दो, बाद में थोड़ा सा नींबू जाएगा, हरा धनिया जाएगा और बन जाएगी फर्स्ट क्लास वाली दाल। काफ़ी हेल्दी होती है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है मसूर की साबुत दाल, तो ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को ज़रूर देना। चलो मैं राइस रखती हूँ अब, रोटी बनाती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बिकॉज इट्स टू लेट, लाइक बहुत लंबा हो गया ब्लॉग। तो इनको खाना खिला दूँ, फिर ट्यूशन का होमवर्क करवाना है। बाय गाइज़।